हरे कृष्णा Hi everyone, so good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about diffusion. Diffusion क्या होता है? पिछले टॉपिक में मैंने आपको कोलाइड्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स बताए थे, मिसाइल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, गोल्ड नंबर के बारे में बताया था, टर्बिडिटी एंड टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया था. सो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफ्यूजन के बारे में. डिफ्यूजन एक ऐसी रैंडम मूवमेंट्स होती है आपके मॉलिक्यूल्स के, जिसमें जो नेट डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स होती है आपके लोअर रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इन ऑर्डर टू द रिच इक्विलिब्रियम. जो आपका डिफ्यूजन होता है वो दो टाइप्स का होता है, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. जो आपका सिंपल पैसिव डिफ्यूजन है वो अकर्स होता है व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन. जब आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास करेंगे आपकी जो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन, जो क्या बोल रहा है, थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिपेंड करेगा आपकी कैरियर प्रोटीन के ऊपर, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन टू अलाउ स्पेसिफिक सब्सटेंस इट पास थ्रू द माइट नॉट बी एबल टू डिफ्यूज थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की. तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन बोल रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द फिक्स इक्वेशन. फिक्स इक्वेशन में आपको बताऊंगी क्या है. ये है डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू पी इंटू ए इज इक्वल टू इंटू डी सी बाय डी एक्स, जिसमें ए क्या है, ए इज द मेम्ब्रेन सरफेस एरिया एंड पी इज द परमिएबिलिटी कॉन्स्टेंट. P is a constant relating the ease of entry of a molecules into the cell depending on the molecule size and lipid solubility. C is your concentration of diffusing molecules, जिसको हम मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और x वो आपकी थिकनेस और विड्थ होती है आपकी मेम्ब्रेन की, जिसको हम सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं, एंड t इज अ टाइम, टाइम को हम सेकेंड में, वेयर a और जो p है वो कॉन्स्टेंट है बिकॉज देयर इक्वेशन सिंपली डिस्क्राइब अ लाइन वेयर dN by dt is a function of dc by dx. If we graph the rate of diffusion as a function of a concentration gradient, we get a simple linear function. After that, हम बात करेंगे facilitated diffusion की. Facilitated diffusion क्या होता है? Facilitated diffusion involves a limited number of carrier protein. Facilitated diffusion में आपकी limited number of carrier protein involve होती है. अगर मैं बात करूंगी low concentration की, तो low concentration पर क्या होगा, molecule pass होंगे through the carrier protein in a way सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिंपल डिफ्यूजन. जिससे सिंपल डिफ्यूजन में आपके जो करियर प्रोटीन्स पास हो रही, आपके मॉलिक्यूल्स पास हो रहे थे, वैसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही होगा, बिल्कुल सेम वे रहेगा. बट हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की बात करूं तो उसमें ऑल द प्रोटीन्स आर ऑक्यूपाइड विद द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या होगा, ऑल द प्रोटीन्स आर ऑक्यूपाइड विद द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स. इंक्रीजिंग द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, अगर हम बात करेंगे कि अगर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो फर्दर विल नॉट चेंज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. उसके बाद आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. इन अदर वर्ड्स, देयर इज अ सम मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन, वी मैक्स है मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द एंटायर कैरियर प्रोटीन आर सैचुरेटेड. जो एंटायर कैरियर प्रोटीन है वो आर सैचुरेटेड है. द कैरियर प्रोटीन्स बिकम सैचुरेटेड एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द वेरिएबल के. द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एट विच द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाफ वी मैक्सिमम एंड के एंड वी मैक्स डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल सच एज दैट्स परमिएबिलिटी. पी परमिएबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, एज वेल एज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सेल. बट फॉर सिंप्लीफिकेशन वी गिव द इक्वेशन. ये इक्वेशन है डी एन बाय डी टी वी मैक्स बाय वन प्लस के बाय डी सी बाय डी एक्स. We can graph this equation dN by dt as a function of dc by dx, जो हमने पीछे देखा था सिंपल डिफ्यूजन में, टू सी हाउ द रेट ऑफ डिफ्यूजन चेंजेस विद इंक्रीजिंग सॉल्यूट कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल. वी मैक्स आपका सेचुरेशन कॉन्स्टेंट होता है एंड के इज अ कॉन्स्टेंट डिटरमाइनिंग स्पीड ऑफ सेचुरेशन. ये देख सकते हो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन और कंसेंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया है. इसमें ही आपका फिक्स फर्स्ट लॉ आता है, जिसमें भी आप ये इक्वेशन देख सकते हो कि फिक्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स क्या है. एंड
उसके बाद आपका बात आई कि फिक्स सेकेंड लॉ के, जो फिक्स सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है, ये देख सकते हो आप, यू कैन सी. एंड लास्ट वन इज योर डिफ्यूजन सेल. डिफ्यूजन सेल क्या है? डिफ्यूजन सेल भी वर्टिकल डिफ्यूजन सेल और हॉरिजॉन्टल डिफ्यूजन सेल. तो जो वर्टिकल डिफ्यूजन सेल है उसमें फ्रेंड्स डिफ्यूजन सेल आता है. डिफ्यूजन सेल कंसिस्ट ऑफ अ डोनर चैम्बर एंड रिसेप्टर चैम्बर. दो चैम्बर्स होते हैं इसमें, एक आपका डोनर चैम्बर है, एक आपका रिसेप्टर चैम्बर है विद अ मेम्ब्रेन क्लैम्प्ड इन बिटवीन. द डिफ्यूजन सेल डोनर चैम्बर कंटेन, जो आपका डिफ्यूजन सेल डोनर होता है, जो डोनर चैम्बर है वो कंटेन करेगा नोन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की. दिस सॉल्यूशन इज रेफर टू एज द डोनर सॉल्यूशन, द रिसेप्टर सॉल्यूशन. नेक्स्ट आपका रिसेप्टर सॉल्यूशन. रिसेप्टर सॉल्यूशन इज कंटेन्ड इन द रिसेप्टर चैम्बर ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. व्हेन द डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट बिगिन, द सॉल्यूट इन द डोनर सॉल्यूशन डिफ्यूजेस through the membrane and into the receptor solution. The receptor solution is periodically removed from analysis in order to determine the concentration of diffusing solute from the donor solution in the receptor solution. The sampled receptor solution is replaced with the new receptor solution. The result of the analysis can be used to calculate the diffusion coefficient. ये जो result है इस analysis का, उसका जो use किया जाता है वो calculate करने के लिए, diffusion coefficient को calculate करने के लिए किया जाता है. ये diffusion cell था. So I hope आपको आज का ये video अच्छा लगा होगा. अगर आपको video अच्छा लगे तो video को like करना, share करना और channel को subscribe करना ना भूले. Thank you.